मेरा नाम सिंह डोलकर है और मैं आर्यन हूँ और आ, आपका क्वेश्चन ये है कि आर्यन कैसे मतलब रेस हुआ कैसे इमार्च हुए जीजी. ऐसे मतलब सुनने को तो मतलब अलग अलग सुना हमने बट Uh, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि हम जो आर्यन जो है वो मिड एशिया से रेस हुआ है और आते 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 मतलब वहाँ से आते 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 टाइम भी बहुत लगा होगा और मतलब जगह जगह पे थोड़ा सेटल होते होते वहाँ पर टाइम लगा होगा और गिलगित में मतलब जो हम मतलब लास्ट सेटल हुए थे वहाँ पर भी आर्यन का रेस देखने को मिलेगा अच्छा, अभी भी वहाँ पर आर्यन की पॉपुलेशन थोड़ी है और ऐसे आए फिर यहाँ पर आके फर्स्ट विलेज जो आर्यन का फर्स्ट विलेज माना जाता है वो है गाना जो यहाँ से आगे पड़ता है वहाँ पर आ, बड़ा टाइम तक वहाँ पर मतलब लोग सेटल हुए फिर वहाँ पर ही खेती करना वहाँ पर ही कैटल मतलब रियर करना वो सब पहले हो होता था और ये जो खेती करना और ये जो कैटल जो रियरिंग करते हैं ये सब मतलब आर्यन के कल्चर भी माना जाता है क्योंकि ये तब से हो रहा है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है अच्छा, अच्छा। और उस उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ लोग नीचे आना मतलब नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ और, नीचे मतलब हाई से नीचे हाँ 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 हा, नीचे स्टार्ट हुआ और यहाँ दामे लोग सेटल हुए और यहाँ पर ही तब से सेटल अभी भी सेटल है और वही जो उनका जो मतलब एग्रीकल्चर है उसी मतलब उन्हीं का काम अच्छा, अच्छा, मैं भी आपको डोली जी आप ये बताएं बाकी जो कल्चर है बाकी जो है बाकी धर्म है रिलीजन है उनसे आर्यंस का डिफरेंट है तो मैं यूनिकनेस जानना चाहूँगा आप डिफरेंट कैसे आपकी लैंग्वेज आपका रहना खाना पीना आपकी जो ड्रेसअप है वो सारा यूनिक है तो एक एक करके आप बताएं आर्यन का जो मतलब आर्यन का रेस ही है वो तो पहले सबसे अलग अलग ही माना जाता है पूरा दुनिया में और इसी के साथ लैंग्वेज भी बहुत ही अलग होता है इनका ट्रेडिशनल ड्रेस भी अलग होता है लाइक लैंग्वेज बोलते हैं कि आर्यन के लैंग्वेज मतलब टोटली फोर्टी लैंग्वेज मिक्स है इसमें फोटी लैंग्वेज मिक्स है तभी जाकर आर्यन लैंग्वेज बना और आर्यन लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है नहीं स्क्रिप्ट, होता नहीं, होता स्क्रिप्ट. स्क्रिप नहीं होता है स्क्रिप्ट नहीं होता है बस सिर्फ हम वॉबली कम्युनिकेट करते अच्छा, कुछ है वॉबली कम्युनिकेट करते जैसे इंग्लिश हुआ हिंदी हुआ उनमें स्क्रिप्ट भी होता है ना अच्छा, आर्यन लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है ए बी सी डी नहीं होता है सिर्फ लैंग्वेज ही होता है बस जो हम वॉबली जो ऐसे कम्युनिकेट कर लिखित में कहीं भी नहीं कुछ भी नहीं होता है फिर कोई लैंग्वेज लिखते भी नहीं आप लोग लिखते नहीं है हम सिर्फ बोलने बोलना बोलने बोलने में है 50 लैंग्वेज मिक्सिस 40 40 लैंग्वेज बोलते हैं संस्कृत भी होगा आ, फिर हिंदी भी है जी आ, फिर थोड़ा अरबीक भी है अरबीक हाँ, यही तीनों बस मुझे एक्स्ट्रा नहीं पता तीनों ज्यादा अंदर मिक्स, हाँ, मिक्स होगा ठीक है अच्छा इसके अलावा फिर आप लोगों के कपड़े हैं ड्रेस है वो ड्रेस, वो, वो ड्रेस ट्रेडिशनल ड्रेस है।, है वो बहुत ही अलग होता है अच्छा जैसे हम मतलब फ्लावर्स की हेड पहनते कि जो हमारी पूरा फुली ड्रेस है वो थोड़ा हैवी भी होता है फिर फिर ज्यादातर उसमें मतलब वुल से बना होता है वुलन ही होता है वुल से बना होता है आ, और मतलब जेंट्स के लिए अलग सा टोपी मतलब लेडीज़ के लिए अलग सा पर दोनों पे फ्लावर्स लगा मतलब लगाते फ्लावर्स दोनों लगाते हैं फ्लावर्स दोनों लगाते फिर लैंग्वेज तो हो गया फिर ड्रेस भी बहुत ही अलग है और, और लोग की मतलब फिजिकल अपीरियंस है मतलब आर्यन जो आर्यन उससे मतलब पता चल जाता है फिजिकल अपीरियंस जो है जो हम मतलब रेस्ट ऑफ द लद्दाख से थोड़ा अलग होता है बोलते कि मतलब पहले जो मतलब हमारे जो ancestors थे उनका मतलब थोड़ा और हाइट भी बहुत ही लंबे लंबे होते थे। ज़्यादा हाँ, हाँ, चेंज हो रहा इतना फिजिकल अपियर जो पहले का मतलब रहता था वो अभी इतना नहीं हुआ अच्छा अच्छा अभ, अभी इतना दिखने को नहीं मिल रहा है वैसे ब्लू आईज बोलते ऐसे फिजिकल अपियर जो आर्यन का मतलब जाना जाता है वो ब्लू आईज शार्प नोज लाइक हाइट भी लंबे होते बहुत अच्छा 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 दूसरा फिर खाना पीना आप लोग क्या ज्यादा प्योर नॉन वेज होते हैं या वेज होते हैं क्या होता है वेज भी होते हैं नॉन वेज भी होते हैं अच्छा, खाना है। पीना तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है अच्छा अभी लैंग्वेज हो गया ट्रेडिशनल डेज हो गया वो तो बिल्कुल अलग हो गया ना अभी जो हमारा खाना पे आए तो फिर खाना पीना मतलब मिक्स सेम रहता है इतना डिफरेंट नहीं होता अच्छा वो एक ट्रेडिशनल पावा स्क्यू बोलते हैं ना हम वो लद्दाखी लोग भी खाते हम भी खाते अच्छा अच्छा यहाँ के जो लोग हैं इनका जो लिवलीहुड कैसे होता है मतलब वो क्या लोग कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ का जो लाइवलीवुड होता है वो मान लो कि एग्रीकल्चर ही है एक्टिव परसेंट एग्रीकल्चर ही होता है क्योंकि पहले से ही ये मैंने जो पहले बोली थी कि वही बेल बकरी फिर एग्रीकल्चर ये सब अभी एक कल्चर भी बन गया आर्यन का क्योंकि पहले से करते आ रहे थे अभी भी कंटिन्यू रखा है अच्छा अच्छा हाँ सभी के पास होते ये मतलब बकरियाँ तो सभी के पास ही होते और गर्मियों में मतलब लोग बहुत ही कम करते क्योंकि अभी खेत मतलब एग्रीकल्चर करते हैं फिर खेती पे बहुत बहुत ही काम होता है और यही मान लो कि सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो जितना आर्यन का इतना प्योर और फेमस मानते हैं पूरा लद्दाख हाँ में अच्छा 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 पूरा यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बोलते हैं ना पूरा ऑर्गेनिक अच्छा। फार्मिंग होते हैं यहाँ की मतलब सब्जियों में भी थोड़ा टेस्ट प्योर वाला जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है वही मिलेगा यहाँ पर ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स बोल के लाइक फर्टिलाइजर्स बोल के जो वही मॉडर्न एग्रीकल्चर में होता है वो यहाँ पर इतना अभी तक नहीं हुआ था नहीं होता नहीं हुआ ठीक है इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ का फार्मिंग जो है बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है और फ्रूट्स तो यहाँ पर बहुत वेराइटीज के होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी होता है अच्छा। और यहाँ पर मतलब सीजन टू सीजन मतलब जब पक जाते हैं या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो फिर ले में ले जाते फिर वहां से हाँ बेचते फिर वही ऐसे ऐसे करके मतलब इनकम जो है उनका अच्छा। ऐसे रेस होता है ऐसे नहीं होता है अभी आप लोगों को स्कूलिंग वगैरह कैसे क्या होता है स्कूलिंग ऐसे तो स्कूलिंग का फैसिलिटीज भी यहाँ पर है गवर्नमेंट स्कूल है अच्छा। और मेडिकल का फैसिलिटीज भी यहाँ पर सब मतलब सब मेडिकल यहाँ पर है दाम में होता है हर एक विलेज में होता है अच्छा। और हमने तो मतलब स्कूलिंग ले में की अभी ज्यादातर मतलब बच्चे बाहर ही जाते अच्छा। स्कूलिंग ले में की मैंने तो फिर कॉलेज जम्मू में की फिर अभी आगे कंटिन्यू करना है अच्छा अच्छा हाँ फिर ज्यादातर बच्चे अभी तो दिल्ली में जम्मू में चंडीगढ़ में मतलब ऐसे ऐसे टाउन में ऐसे ऐसे सिटीज में जाते हैं अच्छा अच्छा एक डोली जी मैं जानना चाहूँ जैसे मैं हरियाणा से होता तो हमारा एक एक रीति रिवाज होता है एक संस्कार होता है क्या रीति रिवाज आप लोगों को कुछ होता है अलग से यूनिक क्योंकि अलग ही होगा सारा आपकी लैंग्वेज अलग है कल्चर अलग है सारा सिस्टम अलग है रीति रिवाज हाँ होते मतलब बोल दो कि मतलब यहाँ का जो शादी जो होता है शादी मतलब ज्यादातर तो आर्यन के अंदर ही होता है अंदर ही होता है अच्छा हाँ, अंदर हाँ बोले कैसे मतलब बाहर से नहीं करना आर्यन रेस मतलब ऐसे आर्यन वैली के अंदर ही करना अच्छा अच्छा पर अभी वो इतना नहीं रहा पहले जो है अंदर ही करते थे ना अभी टाइम के साथ थोड़ा मतलब बाहर भी मतलब ले से या कई लेके और जगह से वहाँ शादी करना फिर वहां से यहाँ आना ऐसा होता है टाइम अच्छा, के साथ ये चेंज हुआ ना अच्छा अच्छा पर फिर भी ज्यादातर मतलब प्रिफ्रेंस मतलब लोग मानते कि अच्छा यही मानते कि आर्यन वैली में ही मतलब शादी करके वही पर सेटल हो जाए क्योंकि इसमें इसमें क्या है कि जब आप बाहर जाते हो फिर वहाँ पर कल्चर वगैरह एक्सटेंड होने का प्रॉब्लम होती है ना प्रॉब्लम अच्छा, होती है जब हम आर्यन वैली में खुद अपना मिक्स होके बैठे फिर कल्चर जो है अपना आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपस अच्छा आप में भी होता है और कल्चर जो है वो अच्छी तरह से मतलब उसी में रहेगा नेचर कैसी है आप लोगों का स्वभाव कैसा है हमारा आर्यन का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग तो मानते ही है थोड़ा स्ट्रोंग भी होते फिर बॉलनेस जो बोलते बोल्ट बोलते वो भी होता है क्योंकि यहाँ पर जो जितने मतलब अगर हम काम के फील्ड में बात करें तो लड़का और लड़की दोनों मतलब दोनों मतलब बराबर ही बराबर काम करते ये नहीं कि ये लड़की ही करेगी ये लड़का ही करेगी अभी खेत खेती की जब खेत खेत में काम करे तो लड़का और लड़की दोनों करते इसलिए मतलब मैं, मैं मानती हूँ कि आर्यन का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, है।, भी होते है, क्या? भी होते है। कुछ ज्यादा मतलब ऐसे किसी? कुछ लोग ज्यादा भी होते हैं कुछ लोग नॉर्मल भी होते हैं अच्छा अच्छा थोड़े आप लोग ब्रेवी फील करते हैं अपने आप को कुछ बात हो जाए तो भी वहाँ के खड़े हो जाना ऐसे कुछ या उसका अगेंस्ट होना ऐसा कुछ

आप लोग के अब भी ऐसे बैठ के खाना खाते हैं हाँ हम भी हम अभी भी ऐसे पहले भी खाते थे और अभी भी बैठ के ही खाते ये हमारा जो ये हमारा कल्चर पहले से ही है और इसको हम अभी भी कंटिन्यू कर रही है कर रहे। हाँ कंटिन्यू कर, हाँ, कर रहे और ज़्यादातर लोग मतलब हमारे घर में आप जैसे आप आर्यन आर्यन वेडी की किसी के घर में भी जाएंगे कि वहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा के आपको कहीं नहीं मिलेगा सारे ऐसे बैठ के यहाँ पर ये जो छोटे छोटे टेबल्स लगे हुए हैं अच्छा, अच्छा। यहीं पर खाते हैं कि डोली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच